Okay, let's start with today's topic, and that's known as oscillation, या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन हम कुछ भी नाम दे सकते हैं. SHM. ऑसिलेशन या फिर SHM. अब ये क्या चीज है, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन फॉलो करती है तो उसको हम SHM बुलाते हैं. वी वेरी वेल नो दिस. ठीक है, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि SHM को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, और कुछ नहीं बल्कि एक साइन वेव फॉलो कर लेते हैं हम लोग. SHM को अगर हम लोग एक्सप्रेस करते तो एक साइनसोइडल वेव के फॉर्मेट में करते हैं, जिसमें वाई एक्सिस में ऑब्जेक्ट जो है वो ऑसिलेट कर रहा है एंड विद टाइम वो मूव करता है. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग इफ यू रिमेम्बर टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग सर्कल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से भी कंपेयर करते हैं. ठीक है, इट्स लाइक कि एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ये रहा ऑब्जेक्ट, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से घूमता है वो. तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओमेगा से घूमेगा, अगर आप ऊपर कोई टॉर्च लाइट लगा दीजिए तो नीचे क्या मिलेगा आपको, आपको पहले शैडो यहाँ दिखेगा, फिर शैडो सेंटर में दिखेगा, फिर शैडो एक्सट्रीम में दिखेगा, और ये इस पे टू एंड फ्रो मोशन यहीं पे चलता रहेगा. सिमिलरली यहाँ पर एक और चीज बताएंगे, अगर यही चीज टॉर्च लाइट, यही टॉर्च लाइट आप इधर लगाएंगे तो आपको यहाँ वाई एक्सिस में दिखेगा, ये सेंटर में है, ये ऑब्जेक्ट इज ओवर हियर, शैडो यहाँ पर है, यहां से ऊपर जाएगा वापस नीचे, फिर एक्सट्रीम में, तो वाई एक्सिस में वो मूव करता रहेगा. ठीक है, इन शॉर्ट जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसका शैडो टू एंड फ्रो मोशन में मूव हो रहा है. अब वो एक्स एक्सिस में भी मूव हो सकता है और वाई एक्सिस में भी मूव हो सकता है, तो किसी भी तरीके से चलेगा. ठीक है, तो ये सिनेरियो को हम लोग क्या बुलाएंगे, SHM बुलाएंगे. अब यही कंडीशन जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट की मोशन को देखते हैं, तो अगर वो मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है, एक्सट्रीम तक जाता है, वापस मीन पे, नेगेटिव एक्सट्रीम, वापस जीरो पे आता है, इस SHM की इक्वेशन को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं. यहां से हमें समझ आता है कि वाई और कुछ नहीं बल्कि फंक्शन ऑफ टाइम है, क्योंकि है तो मोशन ना, मोशन मतलब फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या समझ आएगा, ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट कितनी है, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है और टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है, तो इसको हम लोग लिख देंगे ए साइन थीटा, मतलब एंगल के हिसाब से पोजीशन जो है वो चेंज होती जाएगी. ओके, ऐसे जाएगा. अब थीटा जो है यहां पर क्या लेंगे, एंगल के हिसाब से वेरिएबल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी. ठीक है, थीटा जो है वो टाइम के हिसाब से अगर हम लोग वेरिएबल दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, तो वाई का वैल्यू विद टाइम वेरिएबल हो रहा है, तो ए साइन ओमेगा टी विल बी द वैल्यू, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. कूल है भाई. ठीक है, ये चीज हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, मैं अभी इसको आगे डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि प्राइमरली बेटा ये जो मैं स्टार्टिंग का पार्ट पढ़ा रहा हूँ ना, जितने भी क्वेश्चंस रिसेंटली नीट में आए हैं, मतलब मैं पिछले 5 से 6 साल की बात करूंगा, सेम गोज विद सीईटी, दोनों एग्जाम्स में पिछले 5 से 6 सालों में प्राइमरी जो कोर कॉन्सेप्ट है ना SHM का, उसके ऊपर आया, पेंडुलम, स्प्रिंग मास सिस्टम, इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं रिसेंट पास्ट में. रिसेंट पास्ट में कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, तो लॉजिक समझना जरूरी है कि हो क्या रहे हैं. ठीक है, साइन वेव फॉलो कर रहा है तो साइन वेव बन गया यहाँ पर. ठीक है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, यू कैन प्लीज नोट दिस डाउन. फिर मैं आपको मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन से समझाना शुरू करता हूँ. ठीक है, SHM मेन पोजीशन का मतलब हो गया कि आप स्प्रिंग एक पेंडुलम को ऑसिलेट करवा रहे हो, तो ये इसका मेन पोजीशन है जहां पर वो इक्विलिब्रियम पे है. यहां से कुछ भी चेंज करवाओगे तो एक्सट्रीम पे जाएगा, वापस मीन पे, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे, एंड इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग. So, ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है. मीन एक्सट्रीम, मीन एक्सट्रीम, बस ये ध्यान में रखते हैं. ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, कोई भी SHM अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो क्या लिखते हैं. अच्छा, इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, किताबें खोलोगे तो आपको दिखेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस फाइव हो सकता है. फाइव मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहीं और से है,
ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहा है, मैंने अपना ऑसिलेशन स्टार्ट करने के टाइम पे यहाँ से करने की बजाय यहाँ से कर दिया, या यहाँ से एक्सट्रीम से किया, तो जो भी आप डिफरेंट एंगल पे ओरिजिनेट कर रहे हैं वो वैल्यू को हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, मूविंग अहेड, लिख लिया सबने आई थिंक। ठीक है, अब आती है बात मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन स्टार्ट करने वाली, जो मैं बात कर रहा था। तो एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। अब मीन पोजीशन स्टार्ट करेगा तो इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है, चलो समझाते हैं हम आपको आराम से। मीन पोजीशन स्टार्ट कर रहा है तो उसका मतलब है जब भी ऑसिलेशन आएगी तो एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे है, ओरिजिनल पॉइंट पर है, फिर उसके बाद वो एक्सट्रीम की तरफ अपनी जर्नी शुरू करने वाला है। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा, जीरो पे आएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा एंड गोज बैक। तो विद टाइम y का वैल्यू ओरिजिनेट ही जीरो से कर रहा है, इसका मतलब इसकी इक्वेशन और कुछ नहीं बल्कि y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितना होगा, मुझे वो निकालना है, तो मैंने कहा ठीक है कोई मालूम नहीं है, वेलोसिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगा dy by dt, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा a ओमेगा a sin ओमेगा t cos ओमेगा t, बिल्कुल सही बात है। तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, जैसे ये पोजिशन है तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर आ जाएगा कॉस वेव। ये सही चीज बता रहा है ना, ये वेलोसिटी के हिसाब से बात करें। अब देखो अगर एक ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी सेंटर पे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, लोएस्ट पॉइंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हो रही है। ठीक है, ये आ जाएगा ए ओमेगा, विद टाइम कुछ इस तरीके का मोशन ट्रैवल कर रहा है, तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो गया, जिसमें मैक्सिमम और कुछ नहीं, v नॉट मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी इज ए ओमेगा, a टाइम्स ओमेगा, उसको मैक्सिमम वेलोसिटी लिखेंगे। ठीक है, ये याद रखना बेटा। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्वेश्चन में कई बार गिवन दिया होता है कि ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, या फिर सेकंड केसेस जो मैं पढ़ाने वाला हूँ एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय आप कौन सा इक्वेशन यूज करने वाले हैं। तो मीन से स्टार्ट कर रहा है मतलब साइन वेव फॉलो कर रहा है, उसके बाद आगे तो डिफरेंशिएट करते जाइए आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाऊं तो ए क्या होगा डीवी बाई डी टी, विच इज नथिंग बट माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, सॉरी साइन ओमेगा टी, कॉस का डिफरेंशिएशन आ जाएगा साइन, है ना, और ओमेगा टी का ओमेगा एक बार एक्स्ट्रा आ रहा है इसलिए ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये आ गया ए। इसका मतलब आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ऐसे नेगेटिव साइन वेव। ठीक है, यहां पर आप एक और बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन सीखते हैं, वो है a is equal to minus omega square common निकालो, अंदर क्या रहेगा a sin omega t। अब आप जानते हो a sin omega t क्या था, y, so acceleration का formula क्या गया minus omega square y। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन x के फॉर्मेट में लिखो, देखो मैंने बोला टॉर्च ऊपर मारोगे तो x में मूव कर रहा है वो, टॉर्च साइड से मारोगे तो सर्कुलर मोशन y एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है। अब x is equal to a sin omega t लिखिए, y is equal to a sin omega t लिखिए, it doesn't make a difference। Primarily हम ये समझा रहे हैं कि कितने time period के साथ
एक्चुअली ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, ये प्राइम रिलेशन है, याद रखेंगे। ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, इसी से काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है, ये हो गया खत्म, आगे बढ़ते हैं। सेम कंडीशन एस एच एम स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन, एक्सट्रीम पोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, अगर एक्सट्रीम पोजिशन से स्टार्ट होगा तो उसका मतलब हुआ एक ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड से स्टार्ट हो रहा है, मतलब हम लोग जब भी वाई ग्राफ बनाएंगे उस सिनेरियो में हम लोग एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ग्राफ गोज लाइक दिस, एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ, मीन पे गया, नेगेटिव एक्सट्रीम पे गया, फिर मीन पे आया, फिर मैक्सिमम एक्सट्रीम पे चला गया। दिस इंप्लाइज वाई का फॉर्मूला क्या आएगा, ए कॉस ओमेगा टी, क्या आएगा, ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि कॉस में फॉलो कर रहा है यही। अगर मैं वेलोसिटी निकालता हूं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्योंकि कॉस का माइनस साइन होता है और ओमेगा टी को ओमेगा बाहर आ गया। दैट इंप्लाइज वेलोसिटी का ग्राफ कैसा आएगा, नेगेटिव साइन, वही एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, बिल्कुल सही बात है बच्चा, यहाँ पर भी वही आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई वापस मिल रहा है मुझे। दैट इंप्लाइज द ग्राफ लुक्स लाइक दिस, नेगेटिव कॉस, अच्छा इसके ऊपर बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं जेई नीड दोनों में, सीईटी में भी, सीईटी में तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, क्योंकि स्टेट बोर्ड में बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है इस चैप्टर पे और काफी सारी चीजें बहुत डिटेल में चीजें बताई गई हैं, ठीक है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ किस पेपर की तैयारी कर रहे हैं ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी ये कोर कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ठीक है, एक्सट्रीम में आएगा तो ये है, मीन में आएगा तो पिछला वाला केस है, आपको अपने दिमाग में सिर्फ इसी चीज का ध्यान रखना है, बाकी सब चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ एसएसएम का फॉर्मूला क्या मिल गया हमारे को, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैं एक्स से भी आपको आंसर निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लिखे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन लिख देता हूँ, दैट इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी कंडीशन, कोई भी सिनेरियो ऑसिलेशन फॉलो कर रहा है, एसएचएम फॉलो कर रहा है, कैसे समझ आता है इस रिलेशन से, मतलब ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स वाई डी टी स्क्वायर, करेक्ट, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजिशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको आप थोड़ा सा शफल कर दीजिए, d स्क्वायर x by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x is equal to zero. Now this is known as differential equation of SHM. I primarily say this, इसको याद ऐसे मत करो, ऐसे इसको याद ऐसे करो, double differentiation of a certain quantity plus a constant into the same quantity. Over here the constant is omega square. Double differentiation of a certain quantity. The quantity I'm discussing over here is x. ये x की जगह y हो, ये y x की जगह चार्ज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जब आपको ऐसी इक्वेशन मिल रही है d square something by dt square plus एक कांस्टेंट लिखा हुआ है इक्वेशन में into q is equal to zero है, तो आपको पता है कि आप SHM फॉलो करवा सकते हैं। Getting my point, everyone? ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने सबने वो LC oscillation पढ़ा हुआ है, देखो मैं क्वेश्चन तैयार करा रहा हूँ जो कि एसी करंट का है, वो यहाँ पर लिंक अप हो सकता है। एलसी ऑसिलेशन का इक्वेशन बनता है डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाय एलसी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैं सिर्फ कंपेयर करके दिखा रहा हूं आपको, तो क्या दिख रहा है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी प्लस अ कांस्टेंट इन द सेम क्वांटिटी। इसको कंपेयर करो तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, वन बाय एलसी, विच मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू वन बाय एलसी का रूट, और आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा,
कभी भी कैसा भी ऑसिलेशन क्रिएट हो जाए, थीटा आ जाए, एक्स आ जाए, वाई आ जाए, क्यू आ जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली ऑसिलेटिंग इट शुड ओबे दिस पर्टिकुलर रूल। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसी से इनफैक्ट ये इतनी इंपॉर्टेंट है, ये देखो इसका कंक्लूजन ही कैसे आया, मैंने आपको समझाया सबको, पीछे मैंने प्रूफ के साथ दिखाया कि SHM अगर साइन वेव फॉलो कर रहा है या कॉस वेव फॉलो कर रहा है, वी नो अबाउट इट, उसको कैसे मूव करवा सकते हैं। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड। आगे अगर हम लोग बात करें, अब ये तो एक चीज मिल गई, अब इसी के ऊपर बेस आता है वेलोसिटी ऑफ SHM। वेलोसिटी ऑफ SHM, वेलोसिटी ऑफ SHM का प्राइमरी फॉर्मूला क्या है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। आप इसको ऐसे नहीं भी लिखना चाहते तो ये लिख सकते हैं ए। अब आप जानते हो इफ ए इज फंक्शन ऑफ एक्स देन ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, तो वी डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सो वी डीवी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, नाउ आई नीड टू इंटीग्रेट द टू साइड्स। See, the lower limit tends to zero. Velocity zero कब होती है? Extreme position पे, amplitude पे. Velocity maximum कब होती है? Center पे. तो मैं center पे बात नहीं करता, मैं primarily किसी भी random point x पे बात कर रहा हूँ, तो उस पे speed होगी v. तो integrate कर लेते हैं, क्या हो जाएगा बच्चा? V square by 2, limit tends from 0 to v is equal to minus omega square, x square by 2, limit tends from a to x. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सी दिस, इट कैन बी रिटन एज वी स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय टू, माइनस अंदर ले जाओ तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो टू एंड टू विल स्ट्राइक आउट, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड वी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो कभी भी किसी रैंडम पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, नंबर चाहिए, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट, अ हेल लॉट। ठीक है, यही से हम लोग एनर्जी ऑफ SHM भी देख लेते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी आपको दोबारा बोलूंगा, दोबारा दिमाग में क्या रखना है, स्टार्टिंग पॉइंट कैसा है उसके हिसाब से ग्राफ बना लो। अगर मेन पोजिशन है तो साइन है, एक्सट्रीम है तो बस, वहां से आप सिर्फ आगे बढ़ते जाइए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए उसको इजीली सॉल्व करने का तरीका और कुछ नहीं बल्कि ये है। ठीक है, गुड इनफ, मूविंग अहेड। अब वेलोसिटी ऑफ SHM बेसिक बातें समझ आ गई, यहां से हम लोग आगे कर लेंगे एनर्जी। अब एनर्जी ऑफ SHM करना हो, हमें पता है एनर्जी का मतलब हुआ दो तरह के फैक्टर्स। एक मिनट, सॉरी, आई थिंक स्क्रीन शेयर फिर से बंद हो गया, जस्ट अ मिनट प्लीज। जी, एक बार वेलोसिटी तक समझ आ गया, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, क्या करेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यार ये काम भी कर सकते हो, इससे पहले अगर आप चाहते हो कि आप और थोड़े से और डिटेलिंग सीखो, तो आप स्प्रिंग मास सिस्टम को भी फोकस में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, गिव मी अ मिनट, जस्ट शेयर माय स्क्रीन बैक अगेन। राइट, अब यहां पर देखा जाए, जरा ढंग से देखिएगा, एनर्जी ऑफ SHM में आप एक काम करते हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम पहले डिस्कस कर लेते हैं। स्प्रिंग के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात की भी थी फोर्स में, याद होगा, वर्क एनर्जी में भी की थी।
स्प्रिंग बार सिस्टम में स्ट्रेट अवे फॉरवर्ड है यार, सीधी बात है, यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक रिजिड एंड के साथ हम लोगों ने एक स्प्रिंग को टाई किया हुआ है ऑफ मास एम, और इसको हम लोग ऑसिलेट करा रहे हैं ओरिजिनल पॉइंट से आगे पीछे मूव करवा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m/2 ठीक है। कैसे किया है, बहुत इजी है। मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ, स्प्रिंग एक फोर्स लगा रही है, मेरा फोर्स है ma, स्प्रिंग का फोर्स है -kx, तो a is equal to क्या आ गया -k/m(x). कितने पढ़े लिखे हैं हम, a is equal to -ω²x कंपेयर करना है, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा k by m, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√m/k, खत्म हो गया, सेम फॉर्मूला। Irrespective of spring position, ये चीज अच्छे से समझ लीजिए, कई बार बच्चे इसमें बहुत confusion create करते हैं। Irrespective of spring position, मैं आपको तीनों केस बता देता हूँ, चाहे केस ऐसा हो, चाहे केस ऐसा हो, नहीं नहीं नीचे लिख देता हूँ, चाहे केस ऐसा हो, द टाइम पीरियड ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल केस इज 2π√m/kx इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लग रही तब तक ये वैसे ही काम करेगा। टाइम पीरियड के ऊपर इंपैक्ट तब आता है जब आप एक एडिशनल फोर्सेस लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आई नहीं, ग्रेविटी से ही काम करना है उसमें, आपने जितना भी फोर्स लगा रहे हैं वो कैसे भी एंगल में हो, वो फोर्स भी उतने एंगल में लग रहा है। वर्टिकली लगाएंगे तब भी वर्टिकल लग रहा है, हॉरिजॉन्टल लगाएंगे तो हॉरिजॉन्टल लग रहा है, सिंस फोर्स इज सेम तो ऑटोमेटिकली स्प्रिंग की जो ऑसिलेशन है वो भी सेम रहती है। सर एक बार पीछे वाला स्लाइड बताओ ना। जी बिल्कुल बता देते हैं, ये देखिए इसमें एक और भी चीज लिख देता हूँ मैं, इसको मैं देखो m ओमेगा स्क्वायर को k के बराबर ले सकते हैं, ये भी ध्यान रखिए। m ओमेगा स्क्वायर k के बराबर होता है, मैं ये भी याद रखता हूँ, ठीक है। हाँ सर हो गया अभी, ओके अब ये आ गया, ये भी कंडीशन समझ आ गई, तो अब हमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, हमें डायरेक्टली स्प्रिंग मास सिस्टम में एनर्जी का भी काम कर सकते हैं, हम एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी ऑफ एसएचएम निकाल लेते हैं, एनर्जी ऑफ एसएचएम कैसी होगी भैया देखो जरा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एम ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ये आ गया, इसको एक्सपैंड करके आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली अगर आप एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी निकालें, स्प्रिंग के केस में पोटेंशियल एनर्जी निकालें, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व, सर और हम लोग वो काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी के लिए दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं ना, ए ओमेगा कॉस ओमेगा, बिल्कुल कर सकते हैं, ए ओमेगा स्क्वायर कॉस, वो जो भी आप लगा रहे थे कॉस या साइन, एक्स की जगह ये साइन लिख सकते हैं,
और वी की जगह ए ओमेगा कॉस। ओके कूल बेटा, यहां तक समझ आया? यस। ओके मूविंग अहेड, एनर्जी सिस्टम भी हो गया। बाकी बेटा आप पेंडुलम के केसेस तो आपको जानते ही हैं। पेंडुलम को ऑसिलेट करवाना है तो सीधी सी बात है, ये ऐसा कुछ है, ठीक है? आपने एक टॉर्क दी है, ये मैंने टॉर्क दी है, मान लीजिए टॉर्क गिवन बाय राहुल अरोड़ा, दिस इज नथिंग बट मैं टॉर्क दूंगा तो वो क्या होगा, आई अल्फा होगा, है ना? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आई अल्फा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक रिस्टोरिंग टॉर्क भी क्रिएट होगी, रिस्टोरिंग टॉर्क और कुछ नहीं बल्कि माइनस एम जी साइन थीटा इनटू व्हाटएवर इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वो रहेगा, ठीक है? उसके हिसाब से डिफर करने वाला वापस आना चाहता है। अगर एंगल थीटा बहुत छोटा है, थीटा इज वेरी स्मॉल, ये बार बार लिखते हैं, थीटा कितना स्मॉल में स्मॉल कंसिडर किया जाता है, 20 डिग्री एंगल छोटा होता है, ठीक है? 20 डिग्री एंगल को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, साइन थीटा और टेन थीटा का आंसर नियरली उतना ही आता है, ठीक है? तो लो भैया इसको कर लेते, तो इसका मतलब साइन थीटा विल बी कैटेगराइज एज थीटा इटसेल्फ, तो आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा एल, ठीक है? अब आ गया क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस खत्म हो गया भैया। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी एल बाय आई इनटू थीटा, यहां से क्या सीखे, फिर से वही आ गया, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर को लिख लेंगे एम जी एल बाय आई, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ एम जी एल बाय आई, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π रूट ऑफ आई अपॉन एम जी, ठीक है? अभी मेरे को पता है आपके सिंपल पेंडुलम का आंसर नहीं आया, यहाँ पर ये मैंने आपको दे दिया आंसर फॉर कंपाउंड पेंडुलम। तो पेंडुलम छोड़ो, किसी भी चीज को ऑसिलेट करवा लो, ये पेंसिल को ऑसिलेट करवाना है, ठीक है? पेंसिल की लेंथ एल है, एक एंड से मैंने पकड़ लिया, ये जो बाकी बच्चे कुछ ही लेंथ है वो एल है, अगर इसको ऑसिलेट करवाऊंगा तो मुझे पता है इस पॉइंट के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाय थ्री, और इसका सेंटर ऑफ मास का है, देखो ये जो लेंथ ली जाती है ना, जो एम जी एल वाली लेंथ है वो ली जाएगी सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ मास का है सेंटर पे, तो एल बाय टू कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लो मैं करके दिखाता हूँ, ये कंपाउंड पेंडुलम है, करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला भी यहीं से निकाल दूंगा। नो डाउट, वो कंपैरिजन बताओ ना कैसे किया, मतलब यार डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाया वो लास्ट वाले टर्म से, ये वाला डी एक्स अल्फा को क्या लेता है, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर ले सकती है, हो गया डबल डिफरेंशिएशन ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी प्लस अ कांस्टेंट इनटू द सेम क्वांटिटी इज इक्वल टू जीरो, इसलिए बोला डिफरेंशियल इक्वेशन हर सिनेरियो को समझाएगा। तो मैं क्लियर कट बताता है कि भैया ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वहीं से समझ आ जाता है। बहुत बढ़िया, तो मैं दोनों के कर देता हूँ, सिंपल पेंडुलम कंपाउंड पेंडुलम दोनों के एग्जाम्पल दे देता हूँ। फटाफट खींच लीजिए स्क्रीनशॉट या फिर लिख लीजिए। मूविंग अहेड, वही मैं काम करता हूँ, दोनों केसेस कर देता हूँ, आपका सिंपल पेंडुलम भी कर देता हूँ, सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, और मैं अपनी पेंसिल को भी कर देता हूँ। लो भाई दोनों ही है, ठीक है? दोनों का कर देते हैं, सिंपल पेंडुलम मतलब नॉर्मली ये
लेंथ जो स्ट्रिंग जो है मासलेस होती है, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास का है यहाँ पर है, सेंटर में मतलब पूरा ही आ गया, लेंथ एल आ गया, तो आएगा वैल्यू कितना आएगा, एम इंटू एल स्क्वायर, मास कितनी दूर है, एल डिस्टेंस दूर है ऑसिलेटिंग पॉइंट से, एम एल स्क्वायर आ गया, बस टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा, टू पाई रूट ऑफ एल स्क्वायर अपॉन एम जी इंटू एल, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एल डिस्टेंस दूर है, ये जो लेंथ लेते हैं हमेशा सेंटर ऑफ मास से लेते हैं, यहाँ से स्ट्राइक आउट करो, एम और एम गया, एल और एक एल गया, आंसर आ गया टू पाई रूट ऑफ एल बाई जी, अगर मैं अपनी पेंसिल को ऑसिलेट करा रहा हूँ, लो भैया ये री पेंसिल, थोड़ी थिक पेंसिल बनाते हैं, सही है, ये आ गया, अब पेंसिल क्योंकि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सिनेरियो में इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा सेंटर पे आएगा, इसका मतलब ये क्या आएगा, एल ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट पूरी लेंथ का आधा, ठीक है, पेंसिल का लेंथ एल है, कैपिटल एल ले लेता हूँ चलो, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ये जो पूरी लेंथ है ये एक्चुअली कितनी है, कैपिटल एल दी हुई है, तो सेंटर ऑफ मास आधे पे होगा, बस कुछ नहीं है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पेंसिल कितना होगा, एम एल स्क्वायर बाय थ्री, क्योंकि आप एक एंड से ऑसिलेट कर रहे हो, सेंटर से नहीं कर रहे हो, किया हुआ हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बस कुछ नहीं बेटा, टाइम पीरियड निकाल लो, टू पाई रूट ऑफ एम एल स्क्वायर बाय थ्री इंटू एम जी एल बाय टू, एक मिनट बेटा, यहाँ पर देखा जाए तो एम और एम कैंसिल, एल और एल कैंसिल, हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टू पाई रूट ऑफ टू एल अपॉन थ्री जी, अब बोलो, ठीक है, समझ गया एवरीवन, उसको सिर्फ सेंटर के पॉइंट से दूसरे साइड से कंसीडर किया है, तो इसलिए एम एल स्क्वायर बाय थ्री लिया ना, हाँ मतलब मैं ऑसिलेट यहाँ से नहीं कर रहा ना बेटा, यहाँ से कर रहा हूँ, हाँ ऑसिलेट मतलब रोटेशन, सर्कुलर मोशन ये चाह रहा हूँ, रोटेशन देखिए है ना, हम लोग इसे टाउ इज़ इक्वल टू आई अल्फा दे रहा हूँ, उसके बाद आई एम यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की उतनी इंपॉर्टेंस है, आई होप एवरीवन इज ओके विद दिस, ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा भी घुमाते रहो, एक रिंग ले लो, रिंग को घुमा लो, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है सेंटर से, लेकिन घूम क्योंकि रिजिड एंड से रहा है, कड़े को घुमा रहा हूँ ऑसिलेट कराना है, ठीक है, तो मेरे हाथ में जो कड़ा पहना हुआ है उसको ऑसिलेट कराना है, एक एंड से पकड़ लूंगा, सेंटर ऑफ मास का है सेंटर पे, कड़े के सेंटर पे कितना आएगा, सेंटर डिस्टेंस कितना, आर, तो एम जी आर ले लूंगा, और वही इसका यहां से ऑसिलेट करवा रहा हूं, तो एम आर स्क्वायर की जगह टू एम आर स्क्वायर यूज करूंगा, क्योंकि मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, सो टू एम आर स्क्वायर अपॉन एम जी आर, M गया, R गया, आंसर इज 2R by G, root 2R by G into 2 pi, ये टाइम पीरियड आ गया, तो आप वर्बली ऐसे मतलब बिना कुछ किए बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, डिस्को कर लो, किसी को भी ऑसिलेट करते रहिए, डजंट मैटर नाउ, क्वाइट सिंपल, ठीक है, बस ध्यान रखिए पैरेलल थ्योरम लगनी है, क्योंकि रॉड के केस में ये पेंसिल थी, इसको मैं ऐसे ऑसिलेट रोटेट नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं, समझ रहे हो, ऐसे पकड़ लो आपकी मर्जी है, अब ठीक है, मैं ऐसे ऐसे रोटेट करने की बजाय मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, तो ऑसिलेशन हो गया देखो, ठीक है, तो वही फैक्टर है, गॉट माय पॉइंट्स एवरीवन, जितनी भी चीजें बता रही हूँ सबको समझ आ गया एवरीवन, गुड, अब सेकेंडली बेटा इसके अंदर और अगर कोई केसेस करने हैं तो आप कर सकते हो बहुत सारे, बट जनरली अगेन बोल रहा हूँ कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं आज की डेट में, जितने भी क्वेश्चन पिछले 5 साल में आए हैं irrespective of all the papers, वो prime focus जो है वो concepts के ऊपर है, जो mental basic concepts थे, sine wave, cos wave, उसके ऊपर ज़्यादा बातें पूछी जाती हैं, irrespective of what exactly you're doing, ठीक है, कई बार वो questions पूछ लेते हैं कि दो similar से pendulum हैं, दो similar pendulum हैं और दोनों similar pendulum में हम लोग एक को ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं और एक को कोई पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और ऑसिलेट करके छोड़ देते हैं, तो वो दोबारा कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, राइट, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, हम लोग उनके लिए फेजर डायग्राम्स बना सकते हैं, फेजर डायग्राम्स क्या होते हैं, कोई भी ऑसिलेशन एक सर्कुलर मोशन से कंपेयर करेंगे,
मान लीजिए एक स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, ये पार्टिकल वन है, वही पार्टिकल टू स्टार्ट हो रहा है मान लीजिए यहां पे, दोनों का स्ट्रिंग का लेंथ सेम, दोनों का ओमेगा सेम, ठीक है, दोनों का ओमेगा सिमिलर है। अब आपसे पूछेंगे कहां पर ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, कहां पर ये दोनों एक दूसरे को दोबारा से क्रॉस करेंगे। अब आपके पास पहली चीज कहां आती है, देखो जब भी क्रॉसिंग पूछनी है तो हमेशा कोशिश करो हॉरिजॉन्टली, क्योंकि ऑसिलेशन ऐसे हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइंस में जब दोनों एक दूसरे को मिल लेंगे तब इसका मतलब है दोनों एक ही एम्पलीट्यूड राइट नाउ, उस इंस्टेंट पे दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है। अब यहां पर उसके बाद लगाना है लॉजिक, दिमाग, बेसिक फंडा लगाना है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं बोलूं 45 डिग्री के बाद, 45 डिग्री के बाद, सॉरी ये बॉल इधर है, अब 45 डिग्री के बाद ये भी इधर होगी, लेकिन अब यहां पर अगर अच्छे से देखिए मेन पोजीशन से वो एक एक्सट्रीम पे जा रहा है और एक एक्सट्रीम से वापस आ रहा है, मिलेंगे ना एक पॉइंट पर आके, मिलेंगे ना बेटा, ऐसे क्रॉस करेंगे ना दोनों एक दूसरे को। आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो, बिल्कुल, ये एम्पलीट्यूड निकालना है, जब दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर होगा, इसका मतलब रेड इक्वेशन को बनाऊंगा तो लिखूंगा वाई इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, और ब्लैक वाले को देखूंगा तो वो लिखूंगा वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। मैं वो पोजिशन चाहता हूं जब ये दोनों वाई बराबर हो, दोनों ओरिजिन से सेम हाइट पे हो, तब वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। इक्वेशंस क्या फॉलो कर रहा हूं, कॉस वेव और साइन वेव, क्यों, क्योंकि एक मेन पोजीशन स्टार्ट हो रहा है एक एक्सट्रीम से, तो बस ये वन है ये टू है, वाई वन और वाई टू को बराबर कर दो, ए कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। देखो वो नहीं समझा कौन सा मेन और कौन सा एक्सट्रीम से जा रहे हो, किस टर्म्स में ले रहे हो, ये मेन पोजीशन होती है, वो समझा मुझे, बीच वाले पोजीशन को एक्सट्रीम माना है। SHM फॉलो कर रहे हैं मैं, I'll go back to few pages back. Wait, starting to read the first page. ये देख रही है? मैंने क्या कहा था? एक circular motion एक SHM को obey कराता है। अब y axis में object oscillate कर रहा है, तो हमेशा जो mean position है, ये नहीं mean position, oscillation हो रही है, ऊपर और नीचे। Mean position क्या है ये? इसका मतलब जब भी circular motion पे देखेंगे y axis में कुछ oscillate कर रही है, तो उसकी mean position कहाँ पे होगी? सर्कुलर मोशन में, यहां पर हॉरिजॉन्टली। एक्सट्रीम पोजीशन कब होगी? ये एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ एसएचएम है, इसका मतलब बॉल की पोजीशन क्या ये है ना, तभी तो बॉल की शैडो वहां पे आ रही है, तो वो अभी एक्सट्रीम पोजीशन हुआ ना। हां ये एक्सट्रीम पोजीशन है, वो x के टर्म्स में एक्सट्रीम हो रहा है ना, ये साइड पे हमने इसको मेन लिया और वो मतलब मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा ना, मैं एक जगह बताऊंगा, या तो y एक्सिस में देखूंगा, और जनरली जितने भी डिनोशन करते हैं y एक्सिस में करते हैं, कि ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है तो y एक्सिस में कर रहा है, तो जनरल फेजर डायग्राम्स में हम हमेशा सामने देखेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट घूम रहा है और हम सामने शैडो पे देख रहे हैं, तो जब बॉल यहाँ पर है इधर टॉर्च मारेंगे तो सिर्फ जहां बॉल है वहीं शैडो दिखेगा दीवार पे, अभी ये क्या है सामने दिख रहा है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ घुमा के, तो शैडो कैसे जाएगा ऊपर, ऐसे ऊपर, ऐसे ऊपर, ठीक है। अब मैं बॉल को वापस लेके नीचे आता हूँ, ये तो पूरा चक्कर काट रही है लेकिन ये नीचे आएगा, फिर और नीचे वापस मीन, समझ आया? तो ये मीन है, उसके ऊपर जा रहा है तो वो एक्सट्रीम, फिर नीचे आ रहा है तो एक्सट्रीम, ये प्लस ए पोजीशन, ये माइनस ए पोजीशन, करेक्ट, ये पोजीशन मीन पोजीशन, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट जा रही है, तो ब्लैक वाला अभी मीन से चालू हुआ इसलिए, और वो रेड वाले में टाइम पे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे।
इस टाइम पे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो जब भी क्रॉसिंग देखनी है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, काम हो जाएगा भाई, कभी कोई दिक्कत ही नहीं है। आप देखो ना, यही अगर एक्सट्रीम पॉइंट लेट से एक कलर और ले लेते हैं, ये होता क्वेश्चन। नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा ऊपर से, तुमने इधर से मीन से स्टार्ट किया, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, कभी नहीं मिलने वाले। फिर कहां मिलेंगे? ये नीचे आएगा तब। नेगेटिव एक्सट्रीम से ओरिजिन तक कुछ नहीं होने वाला, यहां से ऊपर जाने तक कुछ नहीं होने वाला, वापस आएंगे तो मिलेंगे। क्योंकि क्या होगा इसका मतलब, जब ये बॉल यहां पहुंच जाएगी और ब्लैक बॉल इधर पहुंच जाएगी, तभी क्रॉस कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस कैसे भी हैंडल किए जा सकते हैं, गॉट मी? ठीक है, वेरी गुड, ओके। बाकी एक तरह का और क्वेश्चन भी आता है, कहता दो डिफरेंट पेंडुलम्स हैं, ये सिमिलर पेंडुलम्स थे, कहता दो डिफरेंट पेंडुलम है, ओके ठीक है, एक की लेंथ एल, एक की लेंथ टू एल, समथिंग लाइक दिस हैज बीन गिवन, ठीक है। एक कहता सॉरी, एक का टाइम पीरियड है लेट्स से 3 सेकंड, और एक का टाइम पीरियड है लेट्स से 8 सेकंड। समझ लो, दो पेंडुलम है, दो डिफरेंट पेंडुलम है, दोनों का मीन पोजिशन से स्टार्ट किया गया, तो वो कहते हैं वापस सिंक में कब दिखेंगे। क्या क्वेश्चन आया? वापस सिंक में कब दिखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं कर रहा, दो अलग अलग फेजर डायग्राम है, एक छोटा सर्कल क्योंकि टाइम पीरियड छोटा है, एक बड़ा चक्कर क्योंकि टाइम पीरियड बड़ा है। इसका टाइम पीरियड कितना है? 8 सेकंड। इसका टाइम पीरियड कितना है? कितना बोला था ना, 3 सेकंड बोला था ना। ऐसे दो ऑब्जेक्ट आ गए, एक या दोनों ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं, वो कहते हैं अब इसके बाद कब सिंक में मिलेंगे। आप समझ रहे हो, वो एक पूरी ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका था बेचारा, 8 सेकंड वाला भी आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वापस सिंक में कब आएंगे मुझे क्या पता। बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब छड़ियल क्वेश्चन, बेकार क्वेश्चन, इतने अच्छे क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर रहा। 8 का टेबल शुरू हो जाओ, 8, 16, 24, 32, 40, 3 का टेबल शुरू हो जाओ, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, समझ रहे हो, 24 आ गया। अब पहला कॉमन पॉइंट दिखा तुम्हें, 24 दिख गया ना, बस कुछ नहीं करना। इसका मतलब हमारे को देखना है 24, ठीक है, कितनी ऑसिलेशन हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसकी 8th ऑसिलेशन और इसकी 3rd ऑसिलेशन विल बी इन सिंक। तो अगर पूछे कि स्मॉलर पेंडुलम कब सिंक में आएगा, कितने टाइम या कितने ऑसिलेशन के बाद आएगा, तो 8 बार है, या तो लिखा होगा 8th रोटेशन, या फिर और थोड़ा पढ़ा लिखा आंसर निकालना है तो बहुत बढ़िया आंसर निकाल देते हैं, वो कहते हैं 16 पाई, क्योंकि 2 पाई का एक चक्कर है, 16 पाई के बाद वो मिलने वाला है, ये 16 पाई के बाद मिलेगा और ये 3rd रोटेशन मिल रहा है, तो 3 × 2π मतलब 6π है। जिसके हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया आप सीधा आंसर लिखिए, ज्यादा सोचना ही नहीं, फेजर डायग्राम एक्चुअली हेल्प यू आउट। ठीक है बच्चों, वापस सिंक में कब दिखेंगे, इतने टाइम के बाद, इतने ऑसिलेशन के बाद। बाकी और मैं चीजें तो बहुत सारी सिखा सकता हूँ, बट आई डोंट नीड दैट। एडवांस लेवल पे हम लोग और भी चीजों को देखते हैं, बट हमें करना ही नहीं तो क्यों पढ़ना उसको। ठीक है, प्राइमरली ये बातें समझ में आई कि किस इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। सीईटी वालों ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं ऐसे, खास करके इसके ऊपर, ये तुम्हारे भर भर के आते हैं यार। ठीक है, कुछ नहीं करना, हॉरिजॉन्टल लाइन में देख लेना, जब मिलेंगे बस खत्म, वही टाइम पीरियड है। बाकी ये भी कई बार आ जाता है, तो मैंने ये भी आपको एक सिनेरियो सिखा दिया। अगेन इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसके बियॉन्ड ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको अपना दिमाग इतने तक ही प्राइमरली सोचना है आपने, इसके ऊपर नहीं सोचना। जब भी आप आज क्वेश्चंस लोगे तो इसके पहले वाले टॉपिक के बेस पे एक क्वेश्चन करवाओगे, कभी वो करेंगे दोनों अगर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मिल जाएगा तो दिखा करा दूंगा, फिर उससे टेक्निक क्लियर हो जाएगी आप वापस एग्जाम।
100% नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैंने आपको वैसे रैंडमली क्वेश्चंस बना के मैंने आपको सिखा दिया कि हाउ इट्स गोइंग ऑन, बट डोंट वरी, यस आई विल डू इट। और कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, मान लो टी बाय 8 नहीं एक्सपेक्ट करता, वो पूछता कि नहीं पोजीशन बताओ, तो कुछ नहीं है, कोई भी एक ग्राफ ले लो, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, किसकी पोजीशन पूछ रहा देख लो, y is equal to a sin omega t आ जाएगा, a sin 2 pi by t, sorry हम डायरेक्टली पोजीशन में लिख सकते हैं, a sin pi by 4 मतलब 45 डिग्री बार आपकी मर्जी, आप कैसे भी हम लोग इसका सॉल्व कर सकते हैं कि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया उस तरीके से हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, ठीक है, ओवर दिमाग कहीं नहीं चलाना। ऑसिलेशन में खौफ ज्यादा है, कॉन्सेप्ट नहीं है, जनरली लोग सिर्फ डरते हैं इस क्वेश्चन को हैंडल करते, कुछ नहीं डरना यार, खाफड़ा जाएगा तुम्हें, आसान है क्वेश्चन, ठीक है, कीप इट सिंपल। आई ऑलवेज रिकमेंड, बच्चे ऐसे टाइम को लेके बहुत हाइप्ड अप होते हैं, आई ऑलवेज से कीप इट सिंपल। जिन क्वेश्चंस को तुम्हें लगता है कि बहुत डिफिकल्ट लगता है, मुझे ये चैप्टर समझ में ही नहीं आता है, आई ऑलवेज एडवाइस कीप इट सिंपल, डोंट ब्लडी गेट इनटू दोज मोड्स ऑफ, डोंट ओपन योर बुक्स, कोई रैंडम किताबें खोल के पढ़ना मत शुरू कर दो। ऐसे टॉपिक जहां पे कंफ्यूजन ज्यादा होती है सिंपल रखो, जितना दिया हुआ उतना पढ़ो, उन्हीं में से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ज्यादा पढ़ने की इच्छा भी गड़बड़ कर देती है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार इसको तो वैसे भी सॉल्व करता था, उसको वैसे, अरे क्यों सोचना है, सीधा सीधा सॉल्व करते हैं ना। ओके, और क्या बताने लायक चीज इसमें, बाकी बेटा हाँ वो आ जाएगा सुपरपोजिशन ऑफ टू SHL, इसमें तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलाना, मैं ना डेरिवेशन पे आ रहा हूं। दो वेव्स को ऐड करने का तरीका क्या होता है, दोनों वेव के एम्पलीट्यूड को वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर कर लो, A1 और A2 वेक्टर कंसिडर कर लो, दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हो, मान लो y1 दिया हुआ है, a sin a1 sin omega t, प्लीज ध्यान रखना है सुपरपोजिशन तभी हो सकती है अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी अलग है तो फिर क्या हो जाएगा, बीट्स क्रिएट हो जाते हैं, बीट्स फ्लाइट डिफरेंस एंड फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल। तो यहां पर a2 sin omega t लेट्स से प्लस माइनस कुछ भी फाइव हो सकता है, फाइव दिया हुआ, सीधी सी बात है दोनों के एम्पलीट्यूड ले लीजिए, आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो a इज इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। वही अगर हमारे को मैं फाइनल y इक्वेशन को लिख रहा हूँ, a sin omega t plus theta, तो a तो मिल गया, ऐसे theta निकालना, तो सीधा है tan theta is equal to जिसके साथ phi है वो उसके साथ a2 sin phi लग जाएगा अपॉन a1 प्लस a2 cos phi, ठीक है, डायरेक्टली आ जाएगा। आपने इसका टेक्निक क्या बोला, जिसके साथ phi है, जिसके साथ phi है जो भी एंगल के साथ phi दिया होता है ना, जिस भी साइड के साथ जो भी एम्पलीट्यूड के साथ, मतलब उसको लाना, हां समझा, उसके साथ sin cos होगा। जनरली बच्चे वेक्टर सॉल्व करते वक्त भी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, सर मुझे पता ही नहीं है p sin theta upon q plus p cos theta, तो अब क्वेश्चन ये भी दिया होता है फॉर्मूला में, कई बार उल्टा भी दिया होता है q sin theta upon p plus q, हमें कैसे पता लगेगा, कुछ नहीं है, एक को बेसलाइन मान के चलो, एक को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी दिया हुआ है ना उसको कंसिडर करो, और दूसरे को हमेशा दर्जा दो जिसके साथ साइन और कॉस लगेगा, जो बेचारा एक एंगल में काम कर रहा है उसी को तो आप लोगे, उसी के साथ साइन और कॉस लगा सकते हो, एंगल ही नहीं तो सीधा लाइन होती, ठीक है। बाकी और कुछ, एक चीज और बताया था लास्ट, डैम्प्ड ऑसिलेशन के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट काफी हद तक हर बूंद से निकाल दिया गया, तो ज्यादा पूछते नहीं है, बट स्टिल अगर आप लोग चाहते हो तो मैं आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन बता दूंगा, बट दैट इज गोना कंफ्यूज यू मच मोर, एक्चुअली पॉइंट नहीं बनता, बट ठीक है, मैं जरूरत पड़े तो बता दूंगा।
ऑसिलेशन टू टू बायंसी, इसमें क्या होगा गाइस ढंग से समझ लीजिए, पानी का लेयर दिया हुआ है, काम करते हैं इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं कुछ अमाउंट तक समझ जाए, ठीक है इतना समझ जाए, अब हम क्या करते हैं उसको पुश करते हैं ऊपर से, एक फोर्स लगा रहे हैं, तो गिवन फोर्स क्या है कि उसके और वॉल्यूम को समर्ज करेगा और उतने वॉल्यूम को ऊपर की तरफ धक्का मारेगा, प्राइमरली वही फैक्टर है, जितना ज्यादा वॉल्यूम समझ रहे हो उतना बाइंड फोर्स बढ़ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम पहले तो क्या होता था, देखो बेसिक बात क्या होती थी, जो भी आपका वेट है वो रो वॉल्यूम समर्ज इनटू जी के बराबर होता था, ठीक है मान लीजिए स्मॉल एच तक ऑलरेडी समर्ज था, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया हुआ था, आप आए और आपने इसको एक्स डिस्टेंस और नीचे कर दिया तो एच प्लस एक्स हो गया, तो आपका वेट ऑलरेडी mg जो है वो ऑलरेडी रो ए एच जी के बराबर था, ठीक है अब आपने आया आपने एक फोर्स लगाया तो आपने mg प्लस फोर्स दोनों लगा दिए, अब वो क्या कर देगा ऑब्वियसली बाइंड फोर्स है तो माइनस साइन लग जाएगा, ये लग जाएगा माइनस रो ए इंटू एच प्लस एक्स इंटू जी, सही आ जाएगा, एडिशनल फोर्स की वजह से वो एच नहीं एच प्लस एक्स कन्वर्ज हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो उतना ही रहेगा, तो यहाँ पर देखो तो क्या आएगा एम जी प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस रो ए एच जी माइनस रो ए एक्स जी, अब यहाँ पर देखा जाए दोस्तों एम जी और माइनस रो ए एच जी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर थे ऑलरेडी, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस रो ए जी इंटू एक्स, अब फोर्स को आप क्या लिखते हो मास इनटू एक्सेलरेशन, अब मास पे इधर ले आइए हो गया क्वेश्चन सॉल्व, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस रीजन फिर से बताओ ना रिस्टोरिंग फोर्स, आप फोर्स नीचे लगा रहे हो एमजी नीचे लग रहा है बाइंड फोर्स ऊपर लग रहा है, हो गया बेटा a is equal to minus omega square x, omega square is equal to rho a g by m, तो time period आ जाएगा 2 pi root of दोस्तों डन, ठीक है everyone okay with us, okay Cool guys, I think everything is done. मैं एक बार जरा आप लोगों से कुछ questions discuss कर लेता हूँ, आपको idea मिल जाएगा, ठीक है? और damped oscillation अगर किसी को करनी है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे काम करता है वो. Damped oscillation का मतलब है एक spring के साथ एक mass try कर दीजिए और इस mass के साथ एक equivalent mass का piston arrangement हम लोग यहाँ पे place कर रहे हैं. और इसको एक ऐसे चेंबर में फिल करते थे जिसके अंदर लिक्विड है, तो क्या लगेगा विस्कस फोर्स, डार्क फोर्स, स्टोक्स लॉ अप्लाई होने वाला है,
तो प्राइमरली आप जानते हैं यहाँ पर एक स्प्रिंग फोर्स वापस की तरफ लगेगी, विच इज नथिंग बट माइनस के एक्स, ठीक है। आप एक फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हैं प्लस उसका एम जी तो नीचे लग ही रहा है, प्लस एक एफ इज इक्वल टू 6 पाई आर वी वापस की तरफ जा रहा है। इस 6 पाई ईटा आर वी लिखने की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, एफ इज इक्वल टू बी इंटू वी, वेर बी इज 6 पाई ईटा आर, ठीक है। हम ये लिखते हैं, ये लेंगे और ये लेंगे, ठीक है। mg नीचे लग रहा है, दो फोर्सेस ऊपर की तरफ लग रही हैं। पाई आर ईटा वी को बी से वो किया, हाँ डिनोट कर दिया बस, 6 पाई ईटा आर सब कुछ कांस्टेंट है ना, 6 पाई कांस्टेंट, ईटा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, कभी चेंज नहीं होने वाला। अब देखो ना शॉकर सिस्टम इसी के ऊपर काम करता है, जो बाइक्स पे शॉकर लगे होते हैं ना, वो स्प्रिंग बन दिख रहे होते हैं पर नीचे उन्होंने वो ऐसे फ्लूइड सा दिख सिलेंडर लगा होता है एंड में, वो सिलेंडर और कुछ नहीं बल्कि विस्कस फोर्स है। अब वो शॉकर कब काम करना बंद कर देते हैं, जब हम ज्यादा स्पीड से किसी खड्डे में डालोगे तो ऐसा लगता है शॉकर है ही नहीं भाई, हॉट करके बचती है हमारे को। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो विस्कस फोर्स भी ज्यादा है, तो आपको ऑसिलेशन करने का मौका ही नहीं मिलता। वहीं अगर आपने ब्रेक एकदम स्लो कर दी, 5 की स्पीड पे आपने बाइक निकाली, तो वो बाइक एकदम ऐसे ऑसिलेट होती दिखती है, दैट इज अंडर डैम्पिंग, अंडर डैम्प, प्रॉपरली डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड में ज्यादा स्पीड ले ली, ज्यादा नट कस दिए, तो स्प्रिंग काम ही नहीं करेगा जरा अपना, कोई फैक्टर यहाँ लगता है, ठीक है। यहाँ पर जो इक्वेशन है वो ये है, y is equal to a e raised power minus bt by 2m, ये आप एम्पलीट्यूड ले लीजिए, प्राइमरली अगर कोई क्वेश्चन यूज होता है वो यही है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a नॉट है। हम लोग जो इक्वेशन फॉलो करते हैं y is equal to a नॉट e raised power minus bt by 2m से इक्वेट करते हैं, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड है जिससे वो काम करता है, देखो बच्चा ये कुछ ऐसी होती है, ठीक है, डैम्पिंग मॉडरी कम होती है, इसलिए एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है, माइनस इसलिए लगाया, एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है, एक्सपोनेंशियल कर्व है ये, फ्लैट। आई थिंक यही बताने की जरूरत है यार, मैं कर दूंगा अगर चाहिए लिख देता हूँ यार, y is equal to a sin omega d into t लग जाता है, here omega d is nothing but root of k square by m square minus b square by 4m square, ठीक है। ये लगता है करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए इंटायर स्ट्रक्चर इतना ही है, यही काम करना है। आप मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपके कोई काम बाई चांस आ भी सकता तो ये है बस, इसके ऊपर और कुछ नहीं आएगा। कूल, मूविंग अहेड गाइस, हो गया। सो वी विल मूव टू हम अपनी जो भी क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड वो डिस्कस करते हैं। आई अगेन से दिस, आई नो ऑसिलेशन ऐसा आपको फील होता है कि बहुत ज्यादा होना चाहिए और बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, हम लोग सिर्फ इतने पे ही ध्यान देंगे। जब हम लोग पढ़ाते हैं रेगुलर क्लासेस में ना, तो हम आपको हर पॉसिबल सिनेरियो के बारे में बताते हैं कि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, वी गिव यू ऑल पॉसिबिलिटीज, बट प्राइमरली आई एम टेलिंग यू जो क्वेश्चंस आते हैं वो इतने ही जोन में आते हैं, वो आप लोग देख भी सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चंस शेयर करता हूँ स्क्रीन, तो आपको समझ आ जाएगा, एकदम परफेक्टली अंडरस्टैंडिंग मिलेगी हाउ एग्जैक्टली इट गोज, ठीक है। चलिए लेट मी शेयर द क्वेश्चन बुक जस्ट अ मिनट, राइट, लीजिए पहला क्वेश्चन। The displacement of a particle executing SHM is given by y is equal to a naught a sin omega t plus b cos omega t, then the amplitude of its oscillation is given by. So, ध्यान रखिएगा a naught जो है वो original point है जहां से वो start कर रहा है, जो SHM follow कर रही है equation वो a sin omega t plus b cos omega t ही है, ठीक है, a naught उसका original point है। साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी दोनों ऑसिलेशन एसएचएम के दो सिनेरियोज हैं,
तो सुपरपोजिशन ऑफ टू सिस्टम में क्या आता है, एक का एम्पलीट्यूड ए है, एक का एम्पलीट्यूड बी है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा कितना आ जाएगा 90, cos 90 जीरो, सी होगा बिल्कुल एकदम। अच्छा ये देखते हैं क्या कहता है ये। तो सर हम लोगों ने उसे a नॉट को कंसीडर नहीं किया था ना, कैसा? नहीं बेटा a नॉट को तुम देखो ना, ये देखो मैं इसलिए सामने मैंने सॉल्यूशन खोल दिया, इट्स एक्चुअली y माइनस a नॉट, कि उसके साथ कुछ साइन कॉस नहीं कुछ लगा हुआ, तो प्राइमरली वो आपको कहता है कि यार जब स्टार्ट करो ना ऑसिलेशन, तो वो यहां से नहीं स्टार्ट होगा, वो ऊपर से स्टार्ट होगा। आप अच्छे से देख सकते हैं, जेन्युइनली क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अभी देखिए आपको ये, चलो ये करते हैं, 2019 वाला क्वेश्चन है ये। The radius of a circle, the radius of circle, the period of revolution, initial position and sense of revolution are indicated in the figure by projection of the radius vector of rotating particle t is. बेकार टाइम पास कर रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा हूँ। 3 meter आपको रेडियस दिया हुआ, मतलब उसका एम्पलीट्यूड पता है आपको, ठीक है, 3 meter उसका एम्पलीट्यूड है। अब वो क्या कहता है, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, y projection of the radius vector of rotating particle p is, p is equal to 0 पे वो original ऊपर वाले point पर है, opposite direction में घूम रहा मतलब sine wave आएगा लेकिन negative। अच्छा वो start कहाँ से कर रहा है, extreme position से, so pi by 2 आ रहा है, pi by time pi by 2 टाइम पीरियड 2 seconds दिया हुआ है, 4 seconds दिया हुआ है, ओमेगा को हम लोग क्या लिख देंगे, 2π/T, 2π/4 seconds आ गया, कैंसिल करो, π/2 आ जाता है, ठीक है, अब π/2 आपको दिख गया, अब आपको यहाँ पर देखिए जरा गाइस, किस तरह दिख रही है चीजें, दोनों हो सकता है, π/2 भी हो सकता है और 3π/2 भी हो सकता है, अब आपको कैसे समझ आएगा कि आप किस आंसर को करेक्टली प्लेस करेंगे, चलिए इसके लिए सोल्यूशन दिखाता हूँ ताकि वहीं पर एक बार में समझ आ जाएगा। अब ये देख सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, टाइम पीरियड दिया हुआ है आपको 3 सेकंड, एम्पलीट्यूड दिया हुआ 4 सेकंड, एम्पलीट्यूड दिया हुआ 3 meters, दोनों चीजें निकाल दी मैंने, टाइम पीरियड 2π/ω है, ओमेगा और कुछ नहीं बल्कि π/2 हो गया, मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, कॉस वेव से स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सट्रीम से, इसलिए एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहे हैं, अब ऑसिलेट करवा रहे हैं, एक्सट्रीम से ऑसिलेट करवाना शुरू करिए, मतलब क्या लगाएंगे हम, cos ओमेगा टी, वैल्यू पुट की, देखा जो फेजर डायग्राम्स है, दे एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली थिंग गोज अराउंड, एंड दैट वाज द प्राइमरी रीजन आई वाज डूइंग इट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लो भाई हो गया ये 11वां क्वेश्चन कर दिया हमने, लो गाइस, द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन SHM इज, बोलो, अरे तो पूछना नहीं है क्या बनाया था, अगर y साइन वेव फॉलो कर रहा तो a क्या फॉलो करता था, माइनस साइन वेव, याद नहीं, अगर y कॉस वेव फॉलो कर रहा तो एक्सेलरेशन क्या कर रहा, माइनस कॉस, कितना डिफरेंस है, 180 डिग्री, 180 सोचना ही नहीं कुछ, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, मैं नीचे जा भी नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन था, average velocity of a particle executing SHM in one complete vibration is, bhai bolo, displacement 0 hua na kyunki one complete revolution kiya hai to 0 aana chahiye, ha bilkul bilkul, वैसे भी देखोगे जितनी velocity ऊपर की तरफ जा रही है उतनी velocity नीचे की तरफ भी आती है, फिर जितनी नीचे और जाएंगी उतनी ऊपर भी और है, ये बराबर है, overall velocity का average 0 होने वाला है, मतलब आप average velocity का concept भूल भी गए तो logic लगा लेगा, जितने एरो ऊपर की तरफ है उतने एरो नीचे की तरफ भी, खत्म होगी बात, लो, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर SHM
with an amplitude of 3 cm when the particle is at 2 cm from the mean position. The magnitude कहाँ से start कर रहा है? The magnitude of its velocity is equal to that of its acceleration. बेटा बहुत easy question है. A का value और V का value के हिसाब से बताओ. तो omega root of a square minus x square को equal करके omega find करेंगे उससे time पे. बिल्कुल हो गया. एकदम सही बात सोची. अब आप समझ रहे हो क्या करना है? कुछ नहीं है. मैंने बोला ना सबसे ज्यादा एम्फेसिस जहां पे दिया पहले दो पन्ने थे, बस उन दो पन्नों में अपना दिमाग चलाओ, काम हो जाएगा. काफी हद तक क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाते हैं. सीधा सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ गाइस ताकि अंडरस्टैंडिंग आ जाए. A is equal to 3 cm दिया हुआ amplitude, x is equal to 2 cm आपसे पूछ रहा है. आप velocity निकालेंगे, omega root of a square minus x square लगाएंगे, आपके को velocity पता लग गई. अब वो कहता है acceleration के बराबर है, मतलब omega square x के बराबर है. दोनों parts को equate करो, आपको omega का value मिल जाएगा. omega मिल गया तो भैया time period मिल जाएगा 2π/T. हाँ जी बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं? गुड. दोबारा बोल रहा हूँ, देखो मैंने तुम्हारे सामने बोला था पिछले 5-7 साल में क्वेश्चन आए तो इसी के ऊपर आए हैं और मेजोरिटी क्वेश्चन ऐसे आते हैं. बाकी आप सॉल्व करेंगे आपको और मजा आएगा. ये देखो जरा 15th क्वेश्चन भी कर लेते हैं एक बार. A particle is executing a simple harmonic motion. Its maximum acceleration is alpha. मतलब a is equal to omega square a का वैल्यू. Small a is equal to omega square a का वैल्यू alpha. And maximum velocity is beta. Maximum velocity का फॉर्मूला क्या होता है? Omega a. Then its time period is बहुत आसान है बेटा. Omega square a by omega a. तो omega a cancel हो जाएगा. Omega is equal to अल्फा बाय बीटा आ जाएगा. ओमेगा अगर अल्फा बाय बीटा है तो टाइम पीरियड क्या होगा? 2π/β करेंगे. पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नोट पढ़ के जाइए. इट्स इनफ. ऑसिलेशन में ज्यादा दिमाग मत चलाना, ठीक है? लो ये भी कर लेते हैं. देखने में भयानक गंदा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है. देखो जरा, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अलोंग द स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है. इट्स वेलोसिटी इज एट डिस्टेंसेस x1 एंड x2 फ्रॉम द मेन पोजीशन आर v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली. ठीक है, इट्स टाइम पीरियड इज, तो v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कर दीजिए. एक में v1 ले लो, x1 ले लो, एक में v2 ले लो, x2 ले लो, बस रेशियोस निकालिए. a मिल जाएगा, a मिल जाएगा तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ लेंथी है, मुश्किल नहीं है. x1 पे v1 दिया हुआ है, x2 पे v2 दिया हुआ है. आप वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाइए, वेलोसिटी ऑफ एसएचएम का आंसर आएगा. दोनों को डिवाइड करिए, रेशियो मिलेगी. A मिल जाएगा, A मिलेगा तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना. आपको किसी भी एक इक्वेशन में x1 v1 वाली या x2 v2 वाली में वैल्यू पुट करिए, आंसर विल कम अप. आई विल स्टिल डू, आई विल जस्ट शो यू दिस इन्होंने क्या किया है. As told, v1 square is equal to omega square a square minus x1 square आ गया. v2 square is equal to omega square a square minus x2 square आ गया. इनफैक्ट आप दोनों को एक्सपैंड करके माइनस भी कर सकते हैं. अब एक माइनस कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. कूल इनफ, वही किया इन्होंने, है ना? एक्स हो गया आंसर. इतना इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कुछ मुश्किल था ही नहीं. कूल गाइस, समझ आ रहा भैया? ठीक हो? बहुत बढ़िया. लो ये क्वेश्चन देखना जरा, देखो कितना आसान है. The oscillation of a body on a smooth horizontal surface is represented by x is equal to a cos omega t. X displacement है, omega frequency है,
एक्सेलरेशन का ग्राफ निकालना है, कॉस का ग्राफ निकालना है यार, माइनस कॉस, नेगेटिव कॉस कैसे बनेगा? सी ऑप्शन, ठीक है, करवाया हुआ कॉन्सेप्ट है, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। तो 2020 से लेकर 2014 के क्वेश्चन करा दिए, सिर्फ जितने नोट्स लिखे थे विदाउट इवन पिकिंग अप द पेन वैसे हो जाएंगे, ठीक है। चलो और देखते हैं, ये क्वेश्चन अब नहीं आते, एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन भी अब जनरली नहीं आते। बेटा आप लोग ट्राई करोगे तो आपको पता लग ही जाएगा। लो 2018 का क्वेश्चन कर लेते हैं, ये हमारे को 2-3 क्वेश्चन यहाँ दिख रहे हैं, ये हम कर लेते हैं। A pendulum is hung from the roof of a sufficiently high building and is moving freely to and fro like a SHM oscillator. The acceleration of the bob of the pendulum is 20 at a distance of 5 meter from the mean position time. A diya hua hai, L diya hua hai, kar lijiye beta. A use karenge instead of 10. टाइम पीरियड निकालना है बेसिक बेटा, एक्सेलरेशन दी हुई है, सब पाया आ रहा है आंसर, आपको ज्यादा सोचना भी नहीं, आप a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्सपी करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। a 20 है, ओमेगा स्क्वायर इनटू 5 कर दीजिए, मतलब ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 2 आ जाएगा, ओमेगा ओमेगा का वैल्यू 2 आ जाएगा, ओमेगा का वैल्यू 2 है तो 2 पाई बाय t लगा देंगे, पाई आंसर है। अगेन क्वेश्चन में सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, a दिया। देखो बच्चा मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन मैंने बहुत सारे फंडे पढ़ा दिए तुम्हें, एडिशनली पढ़ाया मैंने, बट आप ये चीज देखो आप लगा नहीं रहे हैं पहले पेज के कोई इक्वेशंस, नोट्स के फर्स्ट पेज के इक्वेशंस ही यूज हो रहे हैं, तो टाइम पीरियड पे ही ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ उसे क्या आएंगे बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखो, ये एक्चुअली क्वेश्चन फोर्थ में पढ़ाया था, एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कॉन्स्टेंट के था, उसको कट कर दिया 1-2-3 रेशो में, टोटल पार्ट कितने हैं, 3+2, 5+1, 6, इसका मतलब k डैश k डैश और k डबल डैश उसका निकाल रहा है, तो जिसका रेशो 1 है उसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट छोड़ देगा 6L, 6K, 2 वाले का आ जाएगा 3K, और 3 वाले का आ जाएगा 2K। मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, क्या किया मैंने, दिमाग चलाइए समझा, देख रहा हूँ 2/6 हो जाएगा और 3/6, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उल्टा, फिर बिल्कुल k का वैल्यू l के प्रोपोर्शनल था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो kl इज इक्वल टू k1l1 आ जाएगा। आपने 1:2:3 के पार्ट में काटा तो मान लीजिए टोटल 6l था, तो k1 इनटू l के लिए कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ कितनी थी 6l थी, तो k1 आ जाएगा 6k, k इनटू 6l इज इक्वल टू k2 इनटू 2l, ll गया 2 और 2 ये 3 आ गया, तो k2 का वैल्यू आ गया 3k, k into 6L, तो बच्चा कुछ नहीं करना, जो भी रेशो दिए उनका ऐड कर दो, वो उतने के साथ L लगा दो, वो टोटल लेंथ है तुम्हारी, अब जितने भी काट रहे हो 1L, 2L, 3L हो जाएगा। अब तो पढ़े लिखे होते हैं, कर लोगे, K1, K2, K3 तीनों की वैल्यू मिल गई है, लो किसकी पूछ रहे हैं। अच्छा आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, They are connected in series and the new force constant is k dash. Series में कर दिए, series में तो same ही आ जाएगा answer, k ही आएगा, ठीक है ना, spinning constant series में मतलब 1 upon k total is equal to 1 upon k1 plus 1 upon k2 plus 1 upon k3. Series मतलब क्या है, 1, 2, 3 हिस्सों को series जोड़ दो, मतलब बड़ा spinning original वही बन गया ना। अब यही parallel में लगाओ, तो parallel में लगाओगे तो spinning constant क्या आएगा, k सीरीज में क्या आएगा, 1 upon k सीरीज इज इक्वल टू 1 upon 6k plus 1 upon 3k plus 1 upon 2k 11, 1 by 11, बिल्कुल सही है, मैं सिर्फ करके दिखा रहा हूँ, 6k इज इक्वल टू 1 plus 2 plus 3, 6 by 6k, तो k सीरीज का आंसर क्या आएगा, k पैरेलल का आंसर क्या आएगा, 6 plus 3 9 plus 2 11, रेशो निकाल दो 1:11, क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्त। एवरीवन ओके विद दिस, और कुछ क्वेश्चन की कैटेगरी है तो मैं देख लेता हूँ, आपको कैटेगरी नहीं है तो आपको खुद ही सॉल्व करना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
गाइस यू हैव टू सॉल्व दिस, मेरा काम खत्म है। मतलब आप मेजरली समझ लीजिए उसी टाइप के इसी कैटेगरी के क्वेश्चंस आते रहेंगे। आप लोगों को सिर्फ इतने में ही दिमाग चलाना है, ज्यादा सोचना नहीं है। दोबारा बोल रहा हूँ, जितना नोट्स में पढ़ाया उतना पढ़िए, जितना मैंने आज के लेक्चर में कराया उतना करिए। इट इज इनफ टू हैंडल ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ एनी एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। दीज नोट्स आर गोना हेल्प यू फॉर इवन फॉर मेंस, अगर वो मेंस दे रहा तो उसके लिए भी बहुत है। डोंट नॉट ओवर थिंक, राइट? चलिए।